डलहौजी छावनी परिषद डलहौजी ने आदेश जारी किया कि डलहौजी छावनी के बन्नीखेत स्थित टोल टैक्स बैरियर पर अब हिमाचल प्रकृति वाहनों से टोल टैक्स की वसूली पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आम आदमी पार्टी प्रदेश पर्यटन प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष मनीष सरीन ने इस कृत्य को आम आदमी पार्टी की डलहौजी इकाई के निरंतर प्रयासों का नतीजा बताया। मनीष ने बताया कि आम आदमी पार्टी की डलहौजी इकाई ने बन्नीखेत टोल टैक्स बैरियर के संदर्भ में जनवरी 2022 में आरटीआई आवेदन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। प्राप्त आरटीआई आवेदन के जवाब में बन्नीखेत टोल टैक्स बैरियर की स्थापना व कार्य पद्धति से संबंधित कई अनियमितताएं पाई गई। इसके उपरांत आम आदमी पार्टी की डलहौजी इकाई ने 1 फरवरी 2022 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बन्नीखेत टोल टैक्स बैरियर की अनियमितताओं से अवगत करवाया तथा बैरियर को हटवाने हेतु एक ज्ञापन सौंपा। मनीष ने बताया कि नमस्कार, मेरा नाम मनीष सरीन, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट टूरिज्म विंग आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हमें सुनने में मिला कि बन्नीखेत टोल टैक्स बैरियर से निजी वाहनों के लिए टोल कलेक्शन को बंद कर दिया गया है। ये डलहौजी कंटोनमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है जिससे विद इमीडिएट इफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की गाइडलाइंस दी गई हैं। मैं इस संदर्भ में क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की डलहौजी इकाई ने इस मुद्दे को जनवरी माह 2022 में आरटीआई के माध्यम से उठाया था, जिसमें कि हमने आरटीआई के माध्यम से इस टोल टैक्स बैरियर की जो फंक्शनिंग है उसके सारे डिटेल्स मंगवाए थे। जनवरी माह में ही हमें इसके रिजल्ट्स प्राप्त हुए, जिसमें कि बहुत ही चौंकाने वाली चीजें जो थी वो सामने आई, जिसमें कि इस टोल टैक्स बैरियर की एस्टेब्लिशमेंट में काफी सारी इरेगुलरिटीज पाई गई, जिसके रिगार्डिंग फिर हमने उस आरटीआई एप्लीकेशन के जो हमें उससे जो फैक्ट्स प्राप्त हुए थे उससे उसके बाद हम लोगों ने 1 फरवरी 2022 को महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन श्री रामनाथ कोविंद व उनके साथ के साथ साथ ही हम लोगों ने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को एक चिट्ठी के माध्यम से इस सारी इरेगुलरिटीज से अवगत करवाया व इस बन्नीखेत के डिफेंस टोल टैक्स बैरियर को बंद करने की अपील की थी। और इसके रिगार्डिंग हमें महामहिम के ऑफिस से एक रिप्लाई भी मिला था कि जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होगा वो इस टोल टैक्स बैरियर के अगेंस्ट लिया जाएगा और हमें उम्मीद थी कि शायद जून माह तक इस टोल टैक्स बैरियर को बंद कर दिया जाएगा। पूरी तरह तो नहीं ना सही, लेकिन क्षेत्रवासियों को ये जानकर बहुत खुशी होगी और हम क्षेत्रवासियों को इस बात की मुबारकबाद भी देंगे कि आम आदमी पार्टी की डलहौजी इकाई की पहल की वजह से अब बन्नीखेत टोल टैक्स बैरियर निजी वाहनों के लिए टोल फ्री हो चुका है। और भविष्य में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी बन पाएगा हमारे लोकल नेटिव्स के लिए, हमारे स्थानीय किसी भी रेजिडेंट की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, आम आदमी पार्टी की डलहौजी इकाई क्षेत्रवासियों के लिए आवाज उठाती रहेगी और उसके हल के लिए निरंतर संघर्षरत रहेगी। एक बार फिर मैं रक्षा मंत्रालय व महामहिम राष्ट्रपति के आपका फैसला के लिए डलहौजी से अश्विनी साहिल की रिपोर्ट।